थोड़ा सा स्टडी करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगी। तो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में जितना कल पढ़ाया गया था उतने में आपने किसी ने स्टडी की है? हाँ एक्सक्यूज बेटा, मी सर, आज डाउट्स नहीं बताएंगे क्या? जो चलो अच्छा पहले डाउट्स क्लियर कर देते, बताओ। सर चैप्टर 6 में सर, जो सर क्वालिटीज दी हुई है लीडर्स की सर, उसमें एक पॉइंट गिवन है मोरालिटी एंड लॉयल्टी सर, ये प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। पहले तो आपको ये पता, हेलो माय वॉइस इज ऑडिबल ना? हाँ, तो यस सर, इट सबसे इज नॉट पहले तो ऑडिबल। आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर मोरालिटी होता क्या है। ठीक है, मोरालिटी मींस क्या होता है, और दूसरी चीज होती है कि लॉयल्टी मींस क्या होता है। ठीक है, तो जब तक ये चीजें नहीं मालूम होंगी तब तक काम कैसे बढ़ेगा। तो देखिए, जो मोरालिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं नैतिकता। ठीक है, और जो लॉयल्टी होती है वो होती है निष्ठा। मतलब दोनों में देखिए बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, कभी कभी हम लोग जो उस चीज में डाउट में आ जाते हैं। जैसे उसने कहा मोरालिटी एंड द लॉयल्टी आर द सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर इन द फील्ड ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। देखिए, जो मोरालिटी होती है उसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए हमने अपने आप में प्रण करना, मतलब हम किसी काम को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समझ में आ रही, हिंदी में समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर, हाँ, तो देखिए, मतलब किसी काम को करने के लिए जब हम अपने अंदर ठान लेते हैं वो हमारा मोरालिटी में आ जाता है। और लॉयलिटी मीन्स होती है कि किसी काम को हम कितनी ईमानदारी से करते हैं। ठीक है, हर इंसान में दोनों चीजें होती हैं, लेकिन हम दोनों चीजों को एक साथ नहीं निभा पाते। कुछ के अंदर मोरालिटी तो होती है लेकिन लॉयलिटी नहीं होती, लेकिन किसी के अंदर लॉयलिटी होती है लेकिन मोरालिटी नहीं होती। उनके अंदर क्या होता है कि काम करना तो करने की इच्छा तो होती है लेकिन उस काम को लेके वो इतना सीरियस नहीं होते। ठीक है, तो मोरालिटी एंड द लॉयल्टी आर द सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर इन द फील्ड ऑफ द फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में यदि कोई लीडर है या जिसको लीडर बनाया जा रहा है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो किसी काम को अच्छे ढंग से और ईमानदारी के साथ करे। मोरालिटी एंड द लॉयल्टी मतलब अच्छे ढंग से करे और काम करने की उसके अंदर इच्छा हो। यदि हम आपको कोई काम दे दें और यदि आपकी इच्छा है तो आप उस काम को बहुत अच्छे से करोगे, यदि आपकी इच्छा है तो। लेकिन यदि आपकी काम करने की इच्छा नहीं है और हम वो काम आपको जबरदस्ती दे दें तो क्या होगा, उसमें क्या होगा श्रुति? सर वो वर्क हमारा परफेक्ट नहीं हो पाएगा। वेरी गुड, वो वर्क हमारा परफेक्ट नहीं हो पाएगा और उसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी लेक्स रह जाएंगी, कमियां रह जाएंगी। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब बात क्लियर है? यस सर, और बताओ, और क्या दिक्कत है? वन मोर पॉइंट, हाई मोटर कैपेसिटी। हाई मोटर कैपेसिटी, अ लीडर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव टू हाई मोटर कैपेसिटी फॉर द पर्पस। ही और शी शुड डेवलप ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस सच एज स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। मींस हाई मोटर स्किल का मतलब होता है कि आप अपने को फिजिकली कितना फिट रखते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि हमारी पहले की इंडियन टीम में और आज की इंडियन टीम में बहुत फर्क आ गया है। पहले हमारे प्लेयर्स क्या होते थे, फील्डिंग में बड़ी मिस करते थे, बहुत ज्यादा गलतियां करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतनी अच्छी फिटनेस नहीं होती थी। एक दो प्लेयर ही होते थे, जैसे युवराज सिंह हो गए, मोहम्मद कैफ हो गए,
ठीक है, ये ऐसे फील्ड, सुरेश रैना हो गए, ये ऐसे फील्डर हुआ करते थे कि ये अकेले दम पे मैच जिताने की क्षमता रखते थे। लेकिन यदि आपकी टीम में तीन को छोड़ के, क्योंकि टीम क्या होती है, 11 की होती है, और 11 में से यदि तीन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आठ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आपकी 11 की 11 प्लेयर एक यूनिट की तरह काम करें और अच्छे से परफॉर्म करें। और आज की टीम में आप देखिए, आज की टीम में आप देखते होंगे कि जो हमारे कैप्टन हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी फिटनेस रखते हैं, उनकी फिटनेस आज के टाइम पे वर्ल्ड के टॉप एथलीट में काउंट की जाती है। और उसके साथ साथ जो हमारी टीम के दूसरे अदर्स मेंबर हैं वो भी बहुत अच्छी फिटनेस रखते हैं। तो जब हमारे अंदर फिटनेस लेवल बहुत अच्छा होगा तो हम किसी भी काम को बहुत अच्छी एनर्जी के साथ कर सकते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि मोटर कैपेसिटी का मतलब होता है, हाई मोटर कैपेसिटी का मतलब कि आप फिजिकली कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। जब आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो आप किसी भी काम को आसानी से और सही तरीके से कर पाएंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं वहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए उसने कहा, अ लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव अ हाई मोटर फिटनेस, उसकी फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर दिस पर्पस ही और शी डेवलप ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फिटनेस, इसीलिए उसके अंदर बहुत जरूरी है कि जितने भी कंपोनेंट होते हैं फिजिकल फिटनेस के वो इनको डेवलप करे। सच एज जैसे उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर स्पीड होनी चाहिए किसी काम को कर तेजी से कर सके वो, उसके अंदर एंड्योरेंस पावर होना चाहिए, मतलब इंड्योरेंस मतलब क्या होता है, उसकी सहन शक्ति होती है कि यदि उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा आ रहा है तो उसको काम करने की, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि काम ज्यादा है और वो सहन नहीं कर पा रहा, अरे मुझसे नहीं हो रहा, मैं ना कर पाऊंगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है और एक मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जो फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो रिलेट करती है आपकी बॉडी के ऑर्गन से, स्ट्रक्चर से, कि आपके बॉडी ऑर्गन्स कितने फ्लेक्सिबल है, आपका हैंड कितना फ्लेक्सिबल है, आपका लेग कितना फ्लेक्सिबल है। दूसरी चीज होती है जो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो होती है कि आपके अंदर कितना ज्यादा झुकाव है। आपको यदि किसी ऐसी कंडीशन पे डाल दिया जाए जहां पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उस जगह पे आप अपने आप को कैसे फेस करा पाएंगे? तो वहां पर क्या होती है, जब आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो आप मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, और जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो सारी चीजों को, हर तरह की सिचुएशन को आप फेस करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसीलिए उसने कहा कि जो हाई मोटर स्किल होती है वो मेनली रिलेट करती है आपकी फिजिकल फिटनेस से। जब आप फिजिकली अच्छे होंगे, यदि मान लीजिए आपकी फिजिकल फिटनेस कमजोर है और मैंने कोई ऐसा टास्क दिया है जिसमें आपको फिजिकली ग्राउंड में बहुत सारा काम करना है, तो आप जब फिजिकली ही फिट नहीं है तो आप कैसे काम कर पाएंगे, और अपने साथ वाले जो आपके मेंबर्स हैं उनको आप कैसे डील कर पाएंगे? वो तो तुरंत ये बात बोल देगा कि यार जब तुम्हारी फिजिकल अच्छी नहीं है तो तुम हमको लेक्चर काहे को दे रहे हो, है ना। तो पहले तो अपने आप को हमें फिट करना है, एक रोल मॉडल बनना है, तब हम दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। और बताइए बेटा, नाउ पॉइंट इज क्लियर दिस पॉइंट? यस सर। ओके, नाउ एनी पॉइंट? नो सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में? इफ एनीबडी सर, हैव, प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन इन स्पोर्ट्स। यस चैप्टर नंबर 7, सर। वेट 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 वेट, ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड द इवेल्युएशन। देखिए, हर चीज का एक इम्पोर्टेंस होता है, वो टेस्ट मेजरमेंट और इवेल्युएशन स्पोर्ट्स में ये बहुत जरूरी होता है। जब तक आपका हम टेस्ट नहीं लेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी डेप्थ
है। आप देखते होंगे कि इन एग्जाम या आपकी स्पोर्ट्स फील्ड के अलावा जो आपकी स्टडी फील्ड है उसमें भी आपको ये देखा जाता होगा कि यदि हमें कोई बच्चे का न्यू एडमिशन लेना है, इफ आई गेट द न्यू एडमिशन, तो फर्स्टली वी स्टार्ट अ टेस्ट। हम लोग एक टेस्ट स्टार्ट करते हैं जिससे हम उसकी फिजिकल और सॉरी उसकी मेंटल स्टेटस का पता लगा पाते हैं कि क्या ये बच्चा इस स्टैंडर्ड के लिए ठीक है या नहीं है। यदि वो बच्चा किसी भी क्वेश्चन पेपर को आसानी से हल कर रहा है, यदि उसका एडमिशन 10th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड में होना है, तो क्या वो 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर को या उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको वो सॉल्व कर पा रहा है। यदि वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं है, इसीलिए टेस्ट लिए जाते हैं। उसी तरह से स्पोर्ट्स फील्ड में जब हम किसी कंपटीशन पे जाते हैं उससे पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि जो हमारा प्लेयर है उसकी अच्छाइयां क्या हैं, उसकी कमियां कहाँ हैं, हमें किन किन चीजों पे उस पे वर्क करना है, कहाँ पर हमको उसे ठीक करना है। ये सारी चीजें हम टेस्ट के थ्रू तैयार करते हैं। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट, वेट बेटा, वेट फॉर 1 मिनट। हाय हाय हाय, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। एक्चुअल में बाहर एक भाई साहब है, वो अपनी गाड़ी वॉश किए हैं, तो वो अपना गाड़ी धोने के बाद इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए रेस ज्यादा दे रहे हैं तो शोर आ रहा है। खैर, मेजरमेंट क्या होता है कि हमने जो उसकी बॉडी पे वर्क किया या किसी एथलीट ने अपने गेम के अकॉर्डिंग अपनी फिजिकल फिटनेस को मेंटेन किया, तो किन किन चीजों का मेजर करना चाहिए वो मैंने आपको जो आपके टेस्ट और मेजरमेंट का टॉपिक था उस पर मैंने बताया था। जैसे वेस्ट हिप रेशियो होता है, आपका बीएमआई होता है, आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग जो हम बीएमआई निकालते हैं वो, उसके अलावा आपका वेस्ट हिप रेशियो हो गया, देन आपके जो इंडेक्स दिए हुए हैं कौन से, वो चार्ट था जिसमें हम सोमोटो टाइप चार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हम जब गेम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या डिवाइड करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, तब हम उस प्लेयर के टेस्ट और मेजरमेंट लेते हैं ताकि हम उसको सही गेम प्रोवाइड कर सके और सही गेम में जाकर वो बंदा अच्छे से परफॉर्म कर सके। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में जाने से पहले किसी भी प्लेयर का टेस्ट और मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई प्लेयर फिजिकली फिट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हम बाहरी एक्सटर्नल वे पे नहीं देख सकते, उसके लिए हमें इंटरनल टेस्ट भी करने पड़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई हैवी वेट फाइटर बनना चाहता है, जिसको हम लोग रेसलर बोलते हैं, उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर मसल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एजिलिटी होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि वो किसी भी तरह की ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट डिजीज इनमें उसका इन्वॉल्वेशन बिल्कुल ना हो। उसके अंदर ये तीन चीजें होनी नहीं चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या उसको डायबिटिक है या उसके अंदर कोई हार्ट डिसीज है, ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा कि उसकी जो गेम चूज है, जैसे हमने उसको रेसलर बना दिया, तो वहां पर इन सारी चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। यदि आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है और आपने गलत गेम चूज कर लिया है, तो उसके साथ साथ आपका परफॉर्मेंस भी खराब होता है, साथ में आपके साथ फिजिकल बहुत सारे ट्रबल या सफर हो सकते हैं। इसलिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
in a physical education, if you want to choose any game, then the test and the measurement are required. ओके बेटा, ओके सर, नाउ डाउट इज क्लियर? यस सर, क्लियरली डाउट क्लियर हुआ ना? ऑनेस्टली बताना, क्योंकि फिर बाद में मौका नहीं मिल पाता है। यस सर, हाँ, क्योंकि देखो जब मैं मन में होता हूँ, जब मैं मूड में होता हूँ ना, तो बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करता हूँ, नहीं तो फिर जब मूड नहीं होता फिर टरकाता हूँ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मॉर्निंग मेरी अच्छी हुई है, इसलिए कह रहा हूँ। जिसको भी जो भी डाउट है वो पूछ लो। सुमोटो टाइप बॉडी सर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। अरे तेरा सुमोटो टाइप पटी, तीसरी बार, दूसरी बार पूछ रहा सुमोटो टाइप। देखो सुमो सुमोटो टाइप सर कोई हमने नहीं बॉडी नहीं पूछा। होती। सुनो सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, सुमोटो टाइप बॉडी कोई बॉडी नहीं होती है, ठीक है? इसको यदि तुम दिमाग में डाल के चलो सुमोटो टाइप बॉडी, तो सुमोटो टाइप बॉडी नहीं होती है। आपकी बॉडी की कैटेगरी तीन वे पे डिवाइड की जाती है, ठीक है? सुमोटो टाइप बॉडी टाइप जो आप बोल रहे हो, तो हाँ कहना आपका बिल्कुल सही है, लेकिन उसे तीन नामों से याद रखो, इंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी, ठीक है? और उसके बाद मैंने बताया था कि अर्नेस्ट की जगह आप यदि विलियम हर्बर्ट का जो चार्ट है उसको यदि आप फॉलो करेंगे, तो उसमें क्या है कि उसमें उसने फिजिकल फीचर्स को देखते हुए, जो फिजिकल आपका स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए बॉडी टाइप और आपके गेम को डिवाइडेशन दिया है, जबकि जो अर्नेस्ट थे, अर्नेस्ट ने आपके मूड को देखते हुए, आपकी साइकोलॉजी को देखते हुए उसने डिवाइडेशन दिया है। तो यदि आप सुमोटो टाइप के अंदर जा रहे हैं, तो सुमोटो टाइप में आपको अर्नेस्ट हर्बर हर्बर्ट शेल्डन का जो सोमोटो टाइप है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें उन्होंने तीन टाइप की बॉडी बताई है, जिसमें उन्होंने, देखो उसके लिए मुझे वीडियो शेयर करना पड़ेगा क्योंकि बुक सबके पास होगी, तो बुक में आप लोग, बुक सबके पास है? कुछ यस सर, यस सर, ऐसे भी हैं जिनके पास बुक नहीं? खैर कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाई दे रहा हूँ। देखिए इसमें आप तीनों फिगर्स आप देख रहे हैं, एक में एक की जो बॉडी है वो छोटी कद की दिख रही है, जिसने येलो अंडरवियर पहना हुआ है, उसमें आप देख रहे हैं कि उसकी बॉडी हाइट छोटी है लेकिन उसका शरीर भरा हुआ गठीला है, ठीक है? दूसरे फिगर में आप देख रहे हैं, रेड वाले में आप देख रहे हैं कि इसने, इसकी बॉडी फिजिक लंबी भी है और बॉडी इसकी आप देखिए कुछ फिट है। आप देखिए इसका वी शेप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साइड से आंख के पास से देखिए इसका वी शेप क्लियर दिख रहा है। जबकि जो तीसरा वाला है, जो थर्ड वाला है, जिसको हम लोग एक्टोमार्फी बोलते हैं, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी है, हाथ पैर बिल्कुल इसके दुबले पतले हैं। ओके, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका इंडोमार्फ होते हैं, इंडोमार्फ के हाथ और पैर आप देख रहे होंगे, इनके हाथ और पैर छोटे होते हैं लेकिन इनका शरीर गठीला होता है, जिस वजह से हम इनको हैवी वेट वर्क, जिसको जैसे हम शॉट पुट, डिस्कस, उसके अलावा आपकी हैमर थ्रो, वेट लिफ्टिंग, जितने भी हार्ड गेम होते हैं जिनमें आपकी इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दोनों चीजों की बहुत जरूरत होती है, उस टाइप के गेम हम इनको देते हैं। जबकि जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं मेसोमार्फी, इनको हम ऑलराउंडर भी बोल सकते हैं, इनको हम किसी भी गेम या किसी भी कैटेगरी में हम इनको पार्टिसिपेट करा सकते हैं, क्योंकि जो इनकी बॉडी फिजिक होती है वो औसत से थोड़ी ज्यादा होती है, इनकी हाइट औसत से थोड़ी ज्यादा होती है, फिजिकल फिटनेस इनकी बहुत अच्छी होती है, इनके हाथ पैर लंबे होते हैं, जिस वजह से हम इनको लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्टीपल चेज और हर्डल रेसेस, इन गेमों में हम इन्हें पार्टिसिपेट कराते हैं। जबकि सॉरी, उसके अलावा ये हॉकी, फुटबॉल, जितने भी आपके एथलेटिक इवेंट्स हैं, जैसे आपका फुटबॉल है, आपका बास्केटबॉल है,
आपका वॉलीबॉल है, इस तरह के गेम भी ये बहुत अच्छे से प्ले करते हैं। जबकि जो तीसरे टाइप के लोग होते हैं, ये इनकी जो फिजिक होती है ये दुबली पतली होती है, जो शरीर से लंबे होते हैं, लेकिन इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इनका जो एंड्योरेंस पावर होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब इनके अंदर सहन शक्ति बहुत अच्छी होती है। इस वजह से हम इनको लॉन्ग रेसेस गेम जैसे 5000, 10000, मैराथन, इस तरह की रेसेस में हम इनको पार्टिसिपेट कराते हैं, जिसमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनको हम हाई स्पीड गेम नहीं परफॉर्म करा सकते, क्योंकि इनके अंदर स्पीड और एजिलिटी नहीं होती है, जबकि जो बीच वाला है इसके अंदर स्पीड भी होती है, एजिलिटी भी होती है, एंड्योरेंस भी होता है, जबकि जो पहला वाला है इसके अंदर एंड्योरेंस और एजिलिटी छोड़िए, इसके अंदर एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ, वो दो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, जिसकी वजह से ये पावरफुल गेम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये आपका सुमोटो टाइप था हर्बर्ट शेल्डन का। ओके अमित, अमित पूछने के बाद कहाँ गायब हो गए बेटा? वो सर वॉइस नहीं आ रही। अब यार अब उसके लिए तो मतलब मैं जब आपने पहले, अब आने लगी सर। आप आने लगी तो ये जो चीज बताई है वो सुन ली कि नहीं सुन पाए हो? सुन लिया ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। हाँ और किसी का कोई डाउट हो तो बता दे भाई। किसी का कोई डाउट नहीं है? रितिका, अंश? यस सर। कोई डाउट नहीं नो सर। ओके चलिए ठीक है, खैर कोई नहीं। तो अब हाँ, ये डाउट क्लियरेंस आपका पूरा हुआ। अब डाउट से रिलेटेड नहीं, अब हम लोग चैप्टर से रिलेटेड आएंगे, जिसमें हम साइकोलॉजी पढ़ा रहे थे। तो साइकोलॉजी में मैं आपको आज इम्पोर्टेंस बता रहा था, इम्पोर्टेंस आज मुझे बतानी थी। तो इसमें एक पहला पॉइंट आता है कि एनहांस द साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज। ठीक है, इस पॉइंट में समझने के लिए है कि पहली चीज तो साइकोलॉजी को आप समझिए, कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये चैप्टर थोड़ा सा उबाऊ टाइप का, उबाऊ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसके लिए आपको अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचना पड़ेगा एज ए कोच। जब आप एज ए कोच सोचेंगे तभी आप उस चीज को समझ सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जो कोच होते हैं वो फील्ड में परफॉर्म तो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम में बैठ के बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे होते हैं। उन कई जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं वो ड्रेसिंग रूम पे होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो प्लेयर्स, किस प्लेयर को कहाँ खिलाना है, किस नंबर पे खिलाना है, कैसे उससे परफॉर्म करवाना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक कोच की होती है। आपने फुटबॉल के मैचों में देखा होगा, अधिकतर फुटबॉल के प्लेयर आप देखते होंगे परफॉर्म तो वो फील्ड में कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा गेम वो खेल रहा होता है उनका कोच। आप फील्ड के बाहर से देखते होंगे कि फील्ड के बाहर, वो ग्राउंड के बाहर होकर पूरी एक एक स्ट्रेटजी, सारी चीजें बना रहा होता है, प्लेयर को समझा रहा होता है किस जगह पे कहाँ खेलना है, किस पॉइंट पे कहाँ गोल करना है, किस तरीके से खेलना है, वो सारी चीजें बता रहा होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ इसी चीज के लिए पैसे, उसके लिए ये जरूरी है कि वो कितना मानसिक रूप से तैयार है, किन किन परिस्थितियों का उसने सामना किया है। क्योंकि जब आप उन परिस्थितियों का सामना कर चुके होते हैं तो आपको उनका सामना करने के बाद ये पता होता है कि ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप लोगों ने अभी ऐसी कोई कंडीशन फेस नहीं की है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्ले अ वेरी यूनिक रोल इन द enhancement of the psychological capacities such as the strength, speed, flexibility, motivation,
सॉरी ये चीजें हैं, मोटिवेशन अलग चीज हो गई। तो उसने कहा कि जो आपकी पहली साइकोलॉजी है, पहले आपने दिमाग में ये बैठाइए कि आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है, क्योंकि जब तक आपके माइंड में कोई चीज नहीं खा लेते तब तक वो चीज अच्छे से नहीं होती। यदि आपने सोच लिया कि मुझे मैथ नहीं आएगी तो फिर मैथ नहीं आएगी, चाहे आपको पढ़ाने ब्रह्मा भी बैठ जाए। लेकिन यदि आपने एक बार अच्छे से सोच लिया, प्रण कर लिया कि नहीं मैथ तो मुझे आकर ही रहेगी, और उसके बाद आपने उसको तैयार किया, ये नहीं कि मन में सिर्फ सोच लिया, आपको सोचने के साथ साथ उसको करना भी है। भले ही आप कम करें, जरूरी नहीं है कि आप रोज उसमें 6 घंटे दें, आप सिर्फ आधा घंटा दें, 15 मिनट दें, लेकिन दें रेगुलर, पर डे दें। सबसे बड़ी चीज होती है रेगुलरिटी। जब तक आप अपने अंदर रेगुलरिटी नहीं लाते हैं तब तक कोई चीज आसानी से नहीं होती। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी फिजिक को अच्छी करें, आप अपनी फिजियोलॉजिकल जो कैपेसिटीज हैं वो कैसे बढ़ाएं। उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें, आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करें और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें। जब ये सारी चीजें आपकी इम्प्रूव हो जाएंगी, मैं स्पोर्ट्स फील्ड की बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड में आपकी फिजिकल फिटनेस का होना बहुत मायने रखता है। उसके बाद मोटिवेशन, अब यहाँ पर मोटिवेशन की बात आती है। मोटिवेशन प्लेज अ मेजर रोल इन द एनहेंसमेंट ऑफ द फिजिकल कैपेसिटी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब तक आप किसी को मोटिवेट नहीं करते तब तक ये मान के चलिए कि वो एक मृत शरीर है। जैसे आपने देखा होगा चक दे इंडिया एक मूवी आई थी, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है समझने के लिए। यदि आप समझना चाहो तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। पहले उसने क्या किया कि सब प्लेयर्स के माइंड की साइकोलॉजी को पढ़ा। आपने देखा होगा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जब वो फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे सबको बुलाते हैं और कोई कहता है कि मैं पंजाब से हूँ, कोई कहता है मैं हरियाणा से हूँ, कोई कहता है मैं दिल्ली से हूँ, एक आती है वो कहती है आई एम द कैप्टन ऑफ द चंडीगढ़ टीम। तो उसने क्या क्या आंसर दिया, तो कोई बताएगा? यदि आपने किसी ने ये मूवी देखी हो तो लगता आप लोग कोई मूवी में इंटरेस्ट नहीं रखते। काजल, काजल बताएगी क्या? काजल कुशवाहा, काजल कुशवाहा आवाज ही नहीं पहुंचती, जब भी कुछ पूछा जाता बच्चों तक आवाज नहीं पहुंचती। खैर कोई नहीं। तो उसमें आपने देखा कि जब उन्होंने कहा कि मैं सर पंजाब से हूँ, वो कहता मैं हरियाणा से हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं दार्जिलिंग से हूँ, तो उसने कहा आप कहीं से, लेकिन आज आप यदि खेलने आए हैं तो आप किसके लिए खेलने आए हैं? आप इंडिया के लिए खेलने आए हैं, और इंडिया के लिए खेलने का मतलब कि फिर आपके स्टेट मायने नहीं रखते, आपके कंट्री मायने रखते हैं, यानी आप सिर्फ किसके लिए खेलना है, अपने देश के लिए खेलना है। तो जब उसने ये बात कही तो प्लेयर्स के अंदर जो एक हरियाणा पंजाब दिल्ली ये सब घुसा हुआ था, पहले उसने उन चीजों को बाहर निकाला। देन फिर उसने जब ग्राउंड पे वो आया, जब उसने उनकी प्रिपरेशन कराना शुरू की तो उसने देखा बहुत सारे प्लेयर्स में लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, कुछ प्लेयर्स में फिजिकल फिटनेस का प्रॉब्लम था, कोई बहुत ज्यादा जल्दी थक जाता था, किसी के अंदर स्पीड नहीं थी, किसी के अंदर एंड्योरेंस नहीं था। तो उन्होंने उनकी वैसी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करना शुरू किया। अब जब फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव होने लगी तो प्लेयर्स का जो माइंड सेट होता है वो धीरे धीरे अच्छा होने लगता है, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, वो चीजें समझ में आने लगती हैं। तो जब आपकी फिजिकल फिटनेस पे आप काम करते हैं, उसके बाद जब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, तब आप यदि किसी को मोटिवेट करते हैं तो उस मोटिवेशन का फर्क उसकी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उसकी मेंटल फिटनेस पर भी पड़ता है, और उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जिस तरह से आप उसकी जो गेम परफॉर्मेंस है उसको ठीक कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी को यदि आपको इम्प्रूव करना है तो
सबसे पहले जरूरत होगी कि आप अपनी फिटनेस को सुधारें, और जब आप अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर लेंगे और मोटिवेशन एक प्रॉपर वे पे करेंगे तो आप किसी भी प्लेयर की साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है एसेट शोल्डर मोटर स्किल। इसमें क्या है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल इन द लर्निंग ऑफ मोटर स्किल। देखिए जो आपकी मोटर स्किल है, जैसे अभी पीछे एक डाउट आया था शुभी की तरफ से कि सर मोटर स्किल क्या होती है, हाई मोटर कैपेबिलिटी क्या होती है, तो उसमें भी ये बताया गया था कि जो फिजिकल फिटनेस होती है आपकी ट्रेनिंग सेशन होता है। ये कोई मोटर स्किल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम होते हैं। मोटर स्किल का मतलब होता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए किस टाइप के स्पोर्ट्स सेशन या ट्रेनिंग सेशन चलाए जा रहे हैं। यदि किसी प्लेयर की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो हम उसको उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कराएंगे। तो सबका ट्रेनिंग अलग अलग होता है। जो प्लेयर लॉन्ग रेसेस के होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, जो शॉर्ट रेसेस के होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, जो किसी अदर इवेंट के होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है। तो ये बहुत जरूरी है एक कोच के लिए या एक टीम के हेड के लिए कि सबसे पहले वो साइकोलॉजी के थ्रू गेम की मोटर स्किल को समझे। देन लर्निंग मोटर स्किल डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल लेवल ऑफ द रेडमीनेस। मतलब ये कंपेयर करती है, ये उस चीज पर डिपेंड करती है, ये प्लेयर की स्किल के ऊपर डिपेंड करती है कि प्लेयर की स्किल कैसी है, उसकी इच्छा कैसी है। जब तक आप प्लेयर की स्किल को नहीं समझेंगे, आप उसकी इच्छा को नहीं समझेंगे, तब तक आप उससे परफॉर्म नहीं करा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन के लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी है या प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आप उसकी ट्रेनिंग सेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। चिल्ड्रन इज the development of the necessary strength, flexibility and the endurance as well as development of the various organ system so that may use a motor skill required in the activity. आपको भी पता है कि यदि कोई बच्चा इम्प्रूव कर रहा है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसकी बॉडी ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग, यदि उसकी बॉडी एक अच्छे वे पे डेवलप हो रही है तो हमें उसके सेशन को और अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। साइकोलॉजिकल रेडमीनेस इज द रिलेटेड टू द लर्नर स्टेट ऑफ माइंड। जो साइकोलॉजी होती है वो रिलेट करती है किसके, जो एक सीखने वाला है उसके दिमाग से। यदि आप किसी बंदे के किसी प्लेयर के दिमाग से खेल लेते हैं तो आप उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। और यही चीज आजकल देखने को मिलती है कि टीचर जो होता है वो क्या होता है, वो बच्चे के दिमाग से खेलता है। ठीक है, कुछ मेरे कहने का मतलब गलत वे पे मत लीजिएगा। कुछ जैसे आपने देखा होगा सारे टीचर्स एक से नहीं होते, सारे बच्चे एक से होते, पहले का माहौल दूसरा था, आज का माहौल दूसरा है, इसलिए उस चीज को अन्यथा में मत लीजिएगा। आजकल देखा जाता है कि टीचर अपने बेनिफिट्स के लिए क्या करते हैं, दूसरे टीचर्स की बुराई करते हैं कि अरे उसके यहाँ क्या है, उसके पास क्या है, वो कैसे पढ़ाता है, कमियां निकालते हैं। ठीक है, ये एक 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 100 में 100% कोई भी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छे टीचर्स को बदनाम करते हैं, क्यों, ताकि वो उनके बच्चों को अपनी तरफ खींच सकें। अब वो क्या करते हैं उसके लिए कि बच्चे से पहले बहुत ज्यादा क्या करते हैं, फ्रेंडशिप, समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद जब वो बच्चों से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर लेते हैं तो बच्चे उनसे बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको वो आजादी दे देते हैं। कोचिंग में जा रहे हैं तो उनको ऐसे ग्रुप में बैठा दिया जहां पर उनके प्रॉपर डिस्कशन हो सके। अब जब वो प्रॉपर डिस्कशन पे लग गए, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो टीचर बहुत अच्छा है। बट जो एक अच्छा टीचर है, जो एक क्वालिफाइड और एजुकेटेड टीचर होगा, वो क्या करता है, वो इन सब चीजों को रोकता है। वो साफ साफ कहता है कि देखो पढ़ने आए हो तो सिर्फ पढ़ो और कोई एक्टिविटी नहीं। जब ये सारी चीजें होती है तो बच्चों को आजकल ये चीजें खराब लगती हैं, उनको वो जगह ज्यादा अच्छी लगती है जहां पर उन्हें आजादी मिले। तो जब जहां उन्हें आजादी मिलेगी और जहां उनको एक बंधन फील होगा तो आप किस तरफ जाओगे। अच्छा मैं ऑनेस्टली आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो किसी एक बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल एज ए फ्रेंड मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
तो आप क्या करोगे? अच्छा शिफत आप बताओ। कौन सा टीचर ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा? वो टीचर जो आपकी हर बात को नजरअंदाज कर रहा है, या वो टीचर जो आपको छोटी छोटी बात पर टोक रहा है? हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल बेटा? यस सर, यस हाँ शिफत, शिफत लगता है नहीं। कोई बात नहीं, चलो मैं आज रितिका ही से ऑनेस्टली पूछता हूँ। न्यू स्टूडेंट है, बाकी सब हमारे अच्छे बच्चे हैं। रितिका ओपन योर माइक बेटा। सर, हाँ बताओ बेटा, कौन सा टीचर ज्यादा बेटर होगा? वो टीचर जो आपको आने दें जो आपको तो जो हर बातों में टोकेंगे क्यों, मतलब वो क्यों अच्छा है? सर, वो इसलिए अच्छी हैं कि एटलीस्ट सर वो कुछ हमसे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हमारी कमियों को बता रहे हैं। वो हमारे लिए आगे फ्यूचर में भी अच्छा होगा, लेकिन जो टीचर हमें नजरअंदाज कर रहा है तो उससे तो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। अदर सर उससे तो हमें और लेकिन वो आपसे प्रेम से, लेकिन वो आपसे अच्छे से प्रेम से बोलते हैं। सर बोलने में तो सर वैसे मैं भी किसी से अच्छे से नहीं बोलती। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं बेकार हूँ। नहीं, सर मेरे किसी के कहने का बोलने से मतलब, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये, एक टीचर है आपको कोचिंग में कहता बेटा जब आपका मन करे तब आप आ जाना, जिसके साथ आपको बैठ के पढ़ना उसके साथ पढ़ना, और एक टीचर कहता कि नहीं तुम्हें इसी बैच में आना और इसी में तुम पढ़ोगे, तो अब बताओ। सर जो टीचर बोलेगा इसी बैच में आना, इसी बैच में पढ़ोगे, सर वो कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। ये देखिए, इधर मैं कितनी कुछ नहीं कर रहा हूँ, और प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ऊपर ये बात मत लीजिएगा। मैंने बहुत ही एक स्ट्रेट एग्जांपल देने की कोशिश की है कि यहाँ पर मेन चीज होती है कि बच्चों की साइकोलॉजी के साथ खेलना, उनकी माइंड स्टेटस कैसा है उसके साथ खेलना। तो आजकल वही चल रहा है, बच्चों की साइकोलॉजी को पढ़ा कि यार इसको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसको घूमने में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसको टाइम किलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसकी वही चीज करो। क्यों? क्योंकि आज हमारा क्या टाइम है, अर्थ युग है, आज हम पैसे कमाने में ज्यादा लगे हैं। लेकिन जो एक आइडियल टीचर होता है उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि भैया मेरी जरूरतें सीमित है, लिमिटेड है, मेरा खान पान लिमिटेड है, मेरी डिजायर्स लिमिटेड है, मेरी एम्बिशन लिमिटेड है, तो मुझे सिर्फ बच्चों के फ्यूचर से मतलब है। और वो टीचर क्या करता है, वो आपकी छोटी सी छोटी कमी उसको भी वो क्या करता है, देखता है, समझता है आप किस डायरेक्शन पे जा रहे हो, आप किस तरह प्रोग्रेस कर रहे हो, इन सारी चीजों को वो पढ़ता है। इसलिए एक कोच का सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट रोल है कि मोटर स्किल के साथ साथ यदि बच्चे की माइंड की साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू कर देता है तो वो किसी भी प्लेयर के परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकता है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली बार इसको टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आपका टेस्ट कब है फिजिकल एजुकेशन का? कल 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 ओके, कल है, तो कल फिर आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और प्रिपरेशन कर लीजिए 6 और 7 चैप्टर की। पेपर बहुत ही अच्छा है, सीधा सरल पेपर है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, मन से पढ़िए, ऑनेस्ट होके पढ़िए, और आई थिंक अच्छा ही करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट इन एडवांस। थैंक यू वेरी सर, मच। यस बेटा, थैंक बता यू सर, दीजिए बाय आप सर। स्कूल में। बेटा देखिए, मैं आऊंगा तो स्कूल आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन मेरा टाइम का ये है कि मैं कितनी देर तक रुकता हूँ। 12 बजे यदि आप आते हो तो 12 बजे मैं मिल जाऊंगा, 1 बजे तक मिल जाऊंगा, 1 के बाद मैं गारंटी नहीं ले हाँ सकता। सर, मैं 12 से 1 के बीच में ही आऊंगी, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी कोचिंग होगी। बस इसलिए टाइम बता दिया करिए, बस इसलिए मैंने कॉल किया था। और आप मैंने कुछ कहा थोड़ी ना तुम।